हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एवलांटस। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि सॉलिड वर्क्स के अंदर स्केच टूल को कैसे यूज किया जाता है। स्केच टूल जिसमें लाइन टूल्स, रेक्टेंगल्स हम बनाएंगे, उन्हें रिलेशंस देंगे, कैसे उन्हें डिफाइन किया जाता है और कैसे उनमें रिलेशन दिए जाते हैं, कैसे उनके साथ मैनिपुलेट किया जाता है, कैसे उन्हें कॉपी किया जाता है, स्केल किया जाता है, हर एक टूल आज हम सीखने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे सॉलिड वर्क्स ओपन करना है। इसके ऊपर यहाँ पे ऊपर न्यू टूल के अंदर यहाँ पे पार्ट आता है। तो सबसे पहले हम पार्ट बनाना सीखेंगे। पार्ट के अंदर जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा एक विंडो ओपन होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं ओपन हो चुका है। यहाँ अपना फ्रंट प्लेन, टॉप प्लेन और राइट प्लेन दिख रहा है, इसको मैं ये शो कर देता हूँ। ये हमारा फ्रंट प्लेन है। इसमें डायरेक्ट किसी भी प्लेन पे स्केच करने के लिए यहाँ पे जैसे हम क्लिक करते हैं यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है स्केच का, और नहीं तो हम यहाँ से भी पेन को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ स्केच टैब में स्केच को ऑन कर सकते हैं। जैसे मैं स्केच ऑन करता हूँ ऑटोमेटिकली फ्रंट प्लेन परपेंडिकुलर मतलब मेरे सामने आ जाता है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो स्मार्ट डायमेंशन टूल दिखेगा। ये टूल डायमेंशन देने के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे लाइन टूल को कैसे यूज़ करते हैं। लाइन टूल में जैसे आप लाइन टूल को सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि ओरिएंटेशन, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, एंगल और कंस्ट्रक्शन। और कंस्ट्रक्शन जैसे क्लिक करेंगे तो जैसे आप वन पॉइंट से सेकंड पॉइंट पर लाइन ले जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो लाइन है वो कंस्ट्रक्शन लाइन है, जो कि सिर्फ स्केच को बनाने के लिए एज ए हेल्पिंग टूल के तरह जानी जाती है। फिर आप देखेंगे इन्फाइनाइट लेंथ, जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये इन्फाइनाइट लेंथ की लाइन बन जाएगी। आपको जिस तरीके से ओरिएंटेशन देना आप दे सकते हैं, इन्फाइनाइट प्लस में इन्फाइनेट और माइनस में इन्फाइनेट। फिर आप वापस से अगर क्लिक करके देखेंगे तो यहाँ पर एक मिड पॉइंट लाइन का भी ऑप्शन आता है। मिड पॉइंट लाइन का मतलब है कि जो फर्स्ट क्लिक आप करेंगे वो लाइन का मिड पॉइंट होगा और सेकंड क्लिक जो होगा वो उसका फर्स्ट एंड हो जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ ये लाइन बन चुकी और ये कंटिन्यूस टूल अभी भी ओपन है। अगर आप एक और लाइन बनाना चाहते हैं तो पॉइंट प्रोवाइड करा के लाइन कंप्लीट कर सकते हैं या फिर एस्केप दबाकर बाहर आ सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे हमें सर्कल टूल भी मिलता है। सर्कल टूल में भी हमें दो ऑप्शन मिलते हैं, एक तो सेंटर सर्कल जहाँ पहले आपको सेंटर पॉइंट प्रोवाइड कराना है और उसके बाद उसकी रेडियस प्रोवाइड करानी है। फिर आपको मिलता है पेरीमीटर सर्कल। पेरीमीटर सर्कल क्या होता है कि पेरीमीटर सर्कल में अपन को तीन पॉइंट देने होते हैं जो किसी भी सर्कल का पेरीमीटर शेयर करें। जैसे मैं यहाँ पे सर्कल में जाकर पेरीमीटर सर्कल को सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे कोई भी तीन पॉइंट देने होंगे जो इसके पेरीमीटर को शेयर करते हों। ये जो सर्कल बना है ये इन तीनों सर्कल की लाइंस को शेयर करता है। ये देखिए जैसे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर ये अपने टेंजेंट रिलेशंस को शो करता है। जैसे मैंने इसको रखा, इस कर्सर को इस रिलेशन पर रखा तो ये इस रिलेशन से जुड़े हुए लाइंस को हाईलाइट कर देता है। जैसे ये इंडिकेशन दिखा रहा है कि अभी ये छोटा वाला सर्कल और बड़ा वाला सर्कल जो अभी वायलेट कलर में है ये दोनों इस रिलेशन से बाइंड कर रहे हुए हैं। उसके बाद आपको स्प्लाइन टूल मिल जाता है जिसमें आप अपनी इच्छा के जैसे आप जैसा कुछ भी बना सकते हैं आड़ा टेढ़ा। उसके बाद यहाँ पे मिलेगा आपको सेंटर रेक्टेंगल। आपको सेंटर पॉइंट प्रोवाइड कराना है और भी सेकंड पॉइंट प्रोवाइड कराना है उसके एंड ऐसे एंड के लिए कॉर्नर पॉइंट। उसके बाद आपको कॉर्नर रेक्टेंगल मिलेगा जिसमें आपको दो कॉर्नर पॉइंट प्रोवाइड कराने होंगे। उसके बाद आपको मिलता है थ्री पॉइंट रेक्टेंगल जिसके अंदर आपको रेक्टेंगल के कोई भी तीन पॉइंट्स डिफाइन करने होंगे। उसके बाद आपको मिलता है थ्री पॉइंट सेंटर रेक्टेंगल जिसमें आपको पहले सेंटर, फिर उसके बाद उसकी साइड का पॉइंट और कोई एक कॉर्नर के पॉइंट लोकेट कराना होता है। उसके बाद आपको यहाँ देखने को मिलेगा थ्री पॉइंट पैरेललोग्राम वाला रेक्टेंगल, सॉरी वन पॉइंट, टू पॉइंट, थर्ड पॉइंट विद एंगल, ये आपका पैरेललोग्राम हो गया। इसी तरह यहाँ पे आपको आर्क भी मिलता है। यहाँ पे आपको थ्री पॉइंट आर्क मिलेगा सेंटर पॉइंट जिसमें आपको फर्स्ट सेंटर पॉइंट देना होता है, फिर सेकंड स्टार्ट पॉइंट और फिर थर्ड पॉइंट। ये आप कैसे भी चाहें इसको आर्क बना सकते हैं। यहाँ पर टू पॉइंट वाला फर्स्ट, सॉरी आपको यहाँ पे एक फर्स्ट पॉइंट देना होगा और सेकंड पॉइंट देना होगा, लेकिन फर्स्ट पॉइंट यह ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट पॉइंट जो है किसी एग्जिस्टिंग स्केच का पॉइंट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ये फर्स्ट पॉइंट मैंने ले लिया और सेकंड पॉइंट में यहाँ ले लेता हूँ। जैसे कभी आपको हाफ सर्कल बनाना हुआ
तो आप किसी भी लाइन को रेफरेंस लेकर आप आर्क बना सकते हैं। क्या आता है, 3 पॉइंट आर्क। आपको फर्स्ट पॉइंट प्रोवाइड कराना है, सेकंड पॉइंट प्रोवाइड कराना है, और कोई भी थर्ड पॉइंट आप कर्वेचर के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। क्या आता है, एलिप्स। एलिप्स टूल में आपको सेंटर प्रोवाइड कराना है, फिर 2 पॉइंट प्रोवाइड करना है कोई से भी। एलिप्स के अंदर आपको पार्शियल एलिप्स, पैराबोला और कॉनिक जो आप बनाना चाहें आप बना सकते हैं। आपको सिर्फ पॉइंट्स प्रोवाइड कराना है और वो बन जाएगा। फिर आपको मिलेगा यहाँ पे टेक्स्ट। टेक्स्ट के लिए आपको क्या करना है, कोई भी कलर सेलेक्ट करना है जिस कलर के अलावा आप लिखना चाहते हैं। टेक्स्ट, कोई भी टेक्स्ट, जिसे मैं सब्सक्राइब टेक्स्ट लिख देता हूँ। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना कराए तो बिल्कुल जाके सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक भी जरूर करें। यहाँ पे आपको रोटेट करना है, उसमें सेंटर देना है, जो आपको वर्ड में मिलते हैं सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पे आप यूज एज डॉक्यूमेंट फॉन्ट को भी चेंज करना चाहें, मैनुअली कोई रेशो चेंज करना चाहते हैं, स्पेसिंग चेंज करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। जैसे मैं राइट क्लिक करूंगा तो जैसे देखिए जो मैंने लाइन एज अ रेफरेंस सेलेक्ट करी थी वहाँ पे ये सब्सक्राइब लिखा हुआ आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि स्लॉट बनाना है, कोई भी स्लॉट बनाना है तो उसके लिए आप बहुत सारे टाइप के बना सकते हैं, सिंपल स्लॉट, सर्कुलर स्लॉट। आपको क्या करना है, अगर आप फर्स्ट टाइप का चूज करते हैं स्ट्रेट स्लॉट, तो आपको फर्स्ट सेंटर पॉइंट, सेकंड सेंटर पॉइंट और थर्ड उसकी रेडियस प्रोवाइड करानी होगी। फिर अगर आप सेंटर पॉइंट स्लॉट सेलेक्ट करते हैं तो आपको क्या करना है, स्लॉट का सेंटर पॉइंट प्रोवाइड कराना होगा, और फिर आपको सर्कल का जो कि स्लॉट का सेकंड सर्कल होता है उसका सेंटर पॉइंट और फिर रेडियस प्रोवाइड करानी है। क्या आता है, 3 पॉइंट आर्क स्लॉट। इसमें पहले आपको 3 पॉइंट आर्क बनाना होगा, ये 3 पॉइंट आर्क बन गया और आपको इसके रेडियस प्रोवाइड करानी है, स्लॉट की विड्थ प्रोवाइड करानी है। फिर आता है सेंटर पॉइंट आर्क स्लॉट। तो जैसा कि आपने पहले सेंटर पॉइंट आर्क बनाया था, आपको सेंटर पॉइंट देना है, आर्क का सेकंड पॉइंट देना है, आर्क का थर्ड पॉइंट देना है और फिर उसकी विड्थ देनी है। यहाँ पे आप देखेंगे तो एट डायमेंशन का भी टूल आता है और फॉर कंस्ट्रक्शन, अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे सिर्फ ये शो करना है लेकिन स्केच में काउंटर नहीं होना चाहिए, इसका कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, तो आप यहाँ पे फॉर कंस्ट्रक्शन क्लिक कर देंगे तो ये पूरा स्लॉट एज अ कंस्ट्रक्शन लाइन के फॉर्म में बन जाएगा। फिर यहाँ पर आपको पॉलीगॉन में मिल जाएगा, पॉलीगॉन में आप 6 साइड 7 साइड जो साइज आपको मतलब जिन साइड का पॉलीगॉन चाहिए आप बना सकते हैं। यहाँ पे इनस्क्राइब सर्कल, सर्कमस्क्राइब सर्कल का भी ऑप्शन आपको मिलता है। फिर आता है फिलेट ऑप्शन। फिलेट राउंड कॉर्नर देने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, एंटिटीज को सेलेक्ट करना है और पैरामीटर प्रोवाइड करना है। मैं फर्स्ट लाइन सेलेक्ट करता हूँ, सेकंड लाइन सेलेक्ट करता हूँ और जैसे देखेंगे आप यहाँ पे आपको प्रीव्यू देखने को मिल जाता है, येलो लाइन में यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिख रहा है। अगर आप यहाँ पे इसका फ्लैट साइज चेंज करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं हर फ्लैट को अलग अलग डायमेंशन देना चाहता हूँ, अलग अलग डायमेंशन का बने लेकिन एक ही बार में बन जाए, तो आपको करना होगा डायमेंशन की फ्लैट। ये हो गया, तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे डायमेंशन आपको दिखा रहा है, डायमेंशन ऑटोमेटिक मिल जाएगी आपको, स्मार्ट डायमेंशन में जाकर इसको डायमेंशन देने की जरूरत नहीं है। फिर आपको क्या करना है, इंट्रोड्यूस टू फ्लैट में जाना है, वापस से इसको सेलेक्ट करना है। जैसे क्या है कि दिस फ्लैट कुड नॉट बिल्ड बिकॉज दिस स्पेशल रेडियस वुड एलिमिनेट वन ऑफ द एलिमेंट। इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर आप ये लाइन इतनी छोटी हो चुकी है कि आप यहाँ पे इतना बड़ा फ्लैट नहीं दे सकते, यहाँ पे साइज आप रिड्यूस करके इसे फ्लैट दे पाएंगे। फिर आता है इसी के अंदर चैम्फर ऑप्शन, स्केच चैम्फर। चैम्फर जैसा कि आप फ्लैट का एक टाइप है जिसमें फ्लैट राउंड होता है और चैम्फर प्लेन होता है। यहाँ पे बहुत सारे पैरामीटर्स आप दे सकते हैं, एंगल डिस्टेंस के अकॉर्डिंग भी चैम्फर दे सकते हैं, डिस्टेंस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग भी चैम्फर दे सकते हैं। अगर आप 45 डिग्री का चैम्फर देना चाहते हैं तो इक्वल डिस्टेंस पे क्लिक करके भी कर सकते हैं ताकि आपका समय बच जाए। और जैसे मैं दो लाइन को सेलेक्ट करता हूँ, दोनों लाइन से बनने वाला कॉर्नर को जहाँ पे चैम्फर मिल जाता है 10x10 के साइज का। फिर यहाँ आता है ट्रिम ऑप्शन। ट्रिम ऑप्शन क्या है, ट्रिम करना, जैसे अपना ट्रिमर होता है, ट्रिमर क्या करता है अपनी दाढ़ी बियर्ड को ट्रिम कर देता है, वैसे ये यहाँ पे भी ट्रिम ऑप्शन है। यहाँ पे जो पावर ट्रिम ऑप्शन है वो गार्डन ऑफ द गैलेक्सी का याको हीरो जैसा है, जहाँ जाता है खत्म कर देता है। आपको कुछ नहीं करना, पावर ट्रिम ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, लेफ्ट क्लिक को क्लिक करके रखना है। जैसा कि मैं ड्रैग करूंगा आपको यहाँ पे लाइन दिख रही होगी, तो बस आपका जो एरो है कर्सर है वो याको हीरो बन चुका है। अब जहाँ इसको लेके जाएंगे वो वहाँ पे लाइंस को खत्म करता चला गया। जैसा कि आप देख रहे हैं जहाँ जहाँ मेरा कर्सर जाएगा, अब यहाँ पे ये एरर इसलिए दे रहा है कि अगर मैं इस लाइन को ट्रिम करता हूँ तो ये जो स्लॉट एंटिटी है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। आप ओके कर सकते हैं, डू नॉट शो ऑफ भी कर सकते हैं और अब आप इसको आसानी से ट्रिम कर सकते हैं। जो भी एंटिटी आप चाहें
स्केच के अंदर कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, आप उसको आसानी से टर्न कर सकते हैं। फिर आता है कॉर्नर। कॉर्नर में क्या होता है, जैसे आपने यहाँ पे फ्लैट दे दिया लेकिन आपको फ्लैट नहीं चाहिए, तो आप सर्कल को वापस बनाने से अच्छा है कि आप कॉर्नर टूल यूज कर लें और आपके एजेस को सेलेक्ट करना है, एजेस से जुड़ी लाइन को, और वो कॉर्नर एज कॉर्नर बना देगी। ऐसे ही ट्रिम ऑफ इनसाइड, जब दो पैरेलल लाइंस के बीच में आपको बहुत सारी लाइंस को ट्रिम करना है, तो इनसाइड वाली लाइंस को ट्रिम कर देगा या आउटसाइड वाली ट्रिम कर देगा और क्लोजेस्ट को ट्रिम कर देगा। इसी तरह यहाँ एक ऑप्शन और आता है एक्सटेंड एंटिटीज का। ये जो टूल है ये लाइंस को एक्सटेंड करने का होता है, जब कोई एंटिटीज बहुत दूर है आप और ज़ूम आउट नहीं करना चाहते, तो ये क्या करता है लाइंस को एक्सटेंड कर देता है अगले नेक्स्ट पॉइंट तक। जैसे मैं यहाँ पे इस लाइन को सिलेक्ट करूंगा तो इसका जो प्रोजेक्शन निकलेगा लाइक लेजर लाइट, तो ये लाइन सीधी ऊपर जा रही है, तो ये जहां तक जा सकती है मतलब इसका एंड पॉइंट मिलना जरूरी है, कोई इनफाइनाइट ये इनफाइनाइट तक एक्सटेंड नहीं कर सकता। जैसे मैं क्लिक करूंगा ये लाइन सीधे एक्सटेंड हो चुकी है। अब मैं फिर से करूंगा तो ये नीचे की तरफ आपको एक्सटेंशन दिख रहा था, ये नीचे की तरफ चली जाएगी। अगर मैं ऊपर से इसको एक्सटेंड करने की कोशिश करूंगा तो मुझे ऊपर वाले एंड की तरफ जाके इस पर क्लिक करना पड़ेगा ताकि वो ऊपर की तरफ एक्सटेंड हो। इसी तरह अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करना चाहूँ तो भी मैं कर सकता हूँ। अगर आप स्प्लाइन को करना चाहते हैं कि स्प्लाइन एक्सटेंड हो जाए तो भी आप कर सकते हैं, वो उसी कर्वेचर को फॉलो करते हुए आगे की तरफ एक्सटेंड हो जाएगी। फिर आता है कन्वर्ट एंटिटी। कन्वर्ट एंटिटी जो टूल है वो तब ज्यादा काम होता है जब आप मल्टीपल पार्ट्स के साथ काम कर रहे होते हैं, आपको किसी एक पार्ट का प्रोजेक्शन किसी दूसरे पार्ट पर चाहिए होता है ताकि आसानी से आप उसका रेफरेंस लेकर काम कर सके। उसी तरह के इंटरसेक्शन कर्व आते हैं कि जब कोई दो पार्ट या दो प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हो किसी मॉडल को, तो जो इंटरसेक्शन वाले लाइन है वो ड्रॉ करनी हो रेफरेंस के लिए, तो आप इंटरसेक्शन कर्व का यूज कर सकते हैं। फिर आता है ऑफसेट एंटिटीज। ऑफसेट मतलब सरकाना किसी पैरामीटर या किसी वैल्यू के साथ। तो ऑफसेट एंटिटी जैसे आप सेलेक्ट करेंगे, तो जैसे मैं सर्कल को रेक्टेंगल को सेलेक्ट करता हूँ, जैसा कि आपने देखा ये डायरेक्टली इसे ऑफसेट कर रहा है। यहाँ पे सेलेक्ट चेन को अगर मैं ऑफ कर देता हूँ तो ये क्या करेगा, पूरे रेक्टेंगल को ले लेगा, क्योंकि रेक्टेंगल एज अ सिंगल एंटिटी बना हुआ है। और जैसे मैं कहीं भी क्लिक करूंगा, जैसे कि आपको यहाँ पर एज अ रेफरेंस डायमेंशन दिख रही है कितना है, किस डायमेंशन से ऑफसेट होगा, और यहाँ पे आपको लेफ्ट में उसकी वैल्यू भी यहाँ पे भी देखने को मिल रही है 153 mm से ये ऑफसेट हो जाएगा। और जैसे मैं क्लिक करूंगा ये ऑफसेट हो चुका है और यहाँ पे आपको डायमेंशन मिल जाएगी 153 mm। अब यहाँ पर शॉर्टर किया है कि अगर आप जब भी चेंज करना चाहें ऑफसेट को, आपको इसे डिलीट करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ इस पर डबल क्लिक करना है और ये डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा मॉडिफाई करके। यहाँ पे इसके जो डायमेंशन है उसका नाम आ जाएगा और उसकी वैल्यू आ जाएगी। अगर आप इसके डायरेक्शन भी चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, और डायरेक्ट 10 mm का इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं, 10 mm का डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं, और डिक्रीमेंट की वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की वैल्यू कैसे चेंज की जाती है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। यहाँ पे मैं जैसे 10 mm का ऑफसेट वैल्यू सेट करता हूँ, तो आप यहाँ देखेंगे 10 mm पे ये रेक्टेंगल ऑफसेट हो चुका है। फिर इसके बाद आता है मिरर एंटिटीज। मिरर एंटिटीज ऐसा टूल है जिसमें आप किसी भी स्केच को एक रेफरेंस लाइन के अबव मिरर कर सकते हैं। जैसे कि हम कांच में देखते हैं तो कांच में एक प्लेन होता है, उसके अबाउट अपनी जो रिफ्लेक्शन है वो मिरर हो जाती है। वैसे यहाँ पे आपको क्या करना है, एंटिटीज को सेलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पे इस स्लॉट को ड्रैग करके सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे कॉपी ऑप्शन आ रहा है कि आप उसे मिरर करने के बाद जो पेरेंट ऑब्जेक्ट है एंटिटी है उसे हटाना चाहते हैं या नहीं हटाना चाहते। अगर यहाँ पर कॉपी ऑप्शन पे क्लिक करके रखेंगे तो जो पेरेंट एंटिटी है वो वहीं पर रहेगी और उसका रिफ्लेक्शन मिरर एंटिटी बन जाएगी। अगर आप कॉपी ऑप्शन को यहाँ से हटा देंगे तो क्या होगा, जो पेरेंट एंटिटी है वो वहां से इरेज हो जाएगी और वो आपके गिवन रेफरेंस लाइन के अबाउट मिरर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे जैसे मैं मिरर के लिए रेफरेंस लाइन प्रोवाइड करूंगा, ये आपको यहाँ पे इसका प्रीव्यू दिखा देगा कि इस जगह आपका एंटिटी मिरर होना है। और जैसे मैं क्लिक करूंगा यहाँ से ये एंटिटी मिरर होके इधर आ गई, लेकिन जैसा कि मैंने कहा था कि कॉपी ऑप्शन को अनक्लिक करने पर ऑफ करने पर पेरेंट एंटिटी वहां से हट जाती है और मिरर हो जाती है। तो वैसा ही हुआ है यहाँ पे और ये एंटिटी मिरर हो चुकी है। उसके बाद लिनियर स्केच पैटर्न आता है जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पहले से प्रोवाइड की हुई, आपको सिर्फ एंटिटी सेलेक्ट करनी है जिसे आपको पैटर्न करना है। यहाँ पे आपको डायमेंशन देना है कि एक्स एक्सिस के अबाउट कितनी
स्पेसिंग के साथ उसे पैटर्न करना है, एंड नंबर ऑफ इंस्टेंसेस की आपको कितनी इंस्टेंसेस बार आपको पैटर्न करना है, 4 बार 5 बार। एंगल भी सेट कर सकते हैं आप कि एक्स एक्सिस के अबाउट कितना एंगल पर आपको उसे पैटर्न करना है, उसी के साथ आप वाई डायरेक्शन में भी एज वेल एज वाई डायरेक्शन में भी आप इसको पैटर्न कर सकते हैं। और जैसे ही मैं राइट क्लिक करूंगा आप देखेंगे कि यहाँ पे इस एलिप्स का पैटर्न बन चुका है। ओके ओके सॉरी, फिर आता है यहाँ पे सर्कुलर स्केच पैटर्न। यहाँ पे आपको पहले तो किस एंटिटी के अबाउट आपको पैटर्न करना है उसके लिए यहाँ पे मैं ओरिजिन दे देता हूँ। फिर एंटिटीज टू पैटर्न, मैं इस एंटिटी को पैटर्न करना चाहता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिख रहा है। अब यहाँ पे इक्वल स्पेसिंग, यहाँ मतलब कि हर इंस्टेंस के बीच में इक्वल एंगल डिस्टेंस बना रहे हैं, एंटिटीज मतलब कितना इंस्टेंस बनाना है, और उनका रेडियस यहाँ पर आएगा और एंगल यहाँ आ जाता है। जैसे मैं राइट क्लिक करूंगा आप देखेंगे इसका सर्कुलर पैटर्न में बन चुका है। फिर आता है मूव एंटिटी। मूव एंटिटी का मतलब है कि किसी भी एंटिटी को आप मूव कराना चाह रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चाह रहे हैं। तो जैसे मैं इस रेक्टेंगल को ले जाना चाहता हूँ, तो इसे रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूंगा, ये ऑटोमेटिक तो रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर चुका है। कीप रिलेशन मतलब इसके रिलेशन बने रहे जो अपन ने एस्टेब्लिश करे हैं। अगर आप डेल एक्स डेल वाई की वैल्यू के अकॉर्डिंग इसे मूव करना चाहते हैं, तो आप डेल एक्स डेल वाई की वैल्यू दे सकते हैं। जैसे जैसे मैं यहाँ पर वैल्यूज चेंज कर रहा हूँ आप देखेंगे तो ये शिफ्ट हो रहा है, डेल एक्स और डेल वाई की वैल्यू के अकॉर्डिंग शिफ्ट हो रहा है। लेकिन अगर नहीं मैं पिक एंड ड्रॉप करना चाहता हूँ, तो आपको कुछ नहीं करना है, स्टार्ट पॉइंट पर क्लिक करना है, इसका एक कोई भी एक पॉइंट पकड़ना है, और जहां आप दूसरा पॉइंट क्लिक दूसरी बार क्लिक करेंगे वहां पे मूव हो जाएगा। इसी तरह कॉपी एंटिटी, डॉटेड एंटिटी, स्केल एंटिटी कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं। ये सारे काफी यूजफुल टूल्स हैं जो बहुत कम काम आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन पर भी एक वीडियो बनाऊं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर आता है डिस्प्ले और डिलीट रिलेशन। ये स्केच में डिफाइन किए हुए रिलेशंस को शो करता है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो इस ऑल इन दिस स्केच मतलब इस स्केच में जितने भी रिलेशन प्रोवाइड किए गए हैं उनको शो करता है। अब बात आती है इन सबको डिलीट करने के, मतलब स्पेस को खाली करने के। अगर आप ट्रिम ऑप्शन का यूज करेंगे स्केच को डिलीट करने के लिए, तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं शॉर्टकट किसे पसंद नहीं, आपको कंट्रोल ए करना है सबको सेलेक्ट करने के लिए, और डिलीट बटन का दबाते ही पूरा स्केच डिलीट हो जाएगा। अब मैं आपको सिखाऊंगा स्केच को डिफाइन कैसे किया जाता है। डिफाइन बोले तो फिक्स कैसे किया जाता है। जैसे मैं यहाँ पे आपको रेक्टेंगल बना के दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे सेंटर पॉइंट रेक्टेंगल लेता हूँ, मैं सेंटर पॉइंट प्रोवाइड कराऊंगा, कॉर्नर पॉइंट प्रोवाइड कराया और स्किप करा। अभी ये स्केच आपको ब्लू कलर में दिख रहा है, ब्लू कलर, और यहाँ पे आपको दिखाई देगा अंडर डिफाइंड। अंडर डिफाइंड मतलब ये फुली डिफाइंड नहीं है, आपको इसमें रिलेशन देने की जरूरत है। अब कई बार ऐसा होता है कि आपको समझ में नहीं आता है कि कौन सा रिलेशन देना सही रहेगा, क्या चेंज हो रहा है, तो उसके लिए आपको एक डेमो देते हैं। जैसे मैं ये ब्लू हो रहा है, मैं इसका कोई भी एक लाइन या एक पॉइंट पकड़ता हूँ और उसे ड्रैग करता हूँ, तो आप देखेंगे कि इसकी वैल्यूज में चेंज आ रहा है, ये मूव कर रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपका स्मार्ट डायमेंशन टूल काम आता है, आपको डायमेंशन प्रोवाइड करानी है इसे ताकि ये फिक्स हो जाए, इसे रिलेशन प्रोवाइड कराना है। यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू 180 दे देता हूँ और 90। अब जैसे मैं इसे डायमेंशन प्रोवाइड करिए आप देखेंगे कि ये पूरा स्केच ब्लैंक हो चुका है और यहाँ पे फुली डिफाइंड आ गया है, मतलब ये अब कहीं नहीं जाएगा, इसे जितने मिनिमम रिलेशन की जरूरत थी मिल चुके। अगर आप और ज्यादा रिलेशन देने की जरूरत कोशिश करेंगे तो ये एरर दे देगा कि आप इसे ड्राइविंग डायमेंशन बनाना चाहते हैं या ड्रिवन डायमेंशन बनाना चाहते हैं। और अगर आप देखना चाहते हैं कि इस स्केच में क्या क्या रिलेशन है, तो आपको डिस्प्ले रिलेशन पर क्लिक करना है, यहाँ पर ऑल इन द स्केच करना है, यहाँ पे आपको सब रिलेशन मिल जाएंगे। जैसे हॉरिजॉन्टल जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपका रिलेशन दिख जाएगा और उससे रिलेटेड एंटिटीज भी दिख जाएंगे। जैसे मैं कोइंसिडेंट पे जाता हूँ तो आपको यहाँ पे ये रिलेशन दिख जाएगा और उसके साथ जुड़ी हुई एंटिटी जो कि ऑरिजिन है वो भी दिखेगा। और यहाँ पे मैं आगे देखूँ तो यहाँ पे आपको मिलेगा हॉरिजॉन्टल डायमेंशन, वर्टिकल डायमेंशन, ऑर्डिनेट डायमेंशन, हॉरिजॉन्टल ऑर्डिनेट डायमेंशन, वर्टिकल ऑर्डिनेट डायमेंशन, पाथ लेंथ डायमेंशन। पाथ लेंथ डायमेंशन
ज्यादातर आर्क लेंथ, स्प्लाइन लेंथ की डायमेंशन उसके लेंथ को शो करने के लिए दिखाया जाता है। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायमेंशन का मतलब है, जैसे कि हमने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन के डायमेंशन दी तो 180 mm हमारी, और वर्टिकल जो कि हमने 90 mm दिए। यहाँ पर स्मार्ट डायमेंशन टूल का सबसे ज्यादा फायदा ये है कि आप हॉरिजॉन्टल डायमेंशन, एंगुलर डायमेंशन, वर्टिकल डायमेंशन आपको अलग अलग सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको लाइन सेलेक्ट करनी, सॉफ्टवेयर उसके अकॉर्डिंगली आपको डायमेंशन प्रोवाइड करा देगा। मैं यहाँ पर आपको ऑर्डिनेट डायमेंशन का बता देता हूँ, आपको क्या करना है, मैं एक बार उसको सिखाने के लिए डायमेंशन को डिलीट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ऑर्डिनेट डायमेंशन पर क्लिक करूंगा, मतलब हॉरिजॉन्टल ऑर्डिनेट के अंदर आपको डायमेंशन देगा। आपको फर्स्ट रेफरेंस पॉइंट प्रोवाइड कराना है 0 पॉइंट, जैसे मैं इस लाइन को एज 0 पॉइंट प्रोवाइड कराता हूँ, ये 0 हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसको जहाँ जहाँ मुझे रिलेशन देना है वहाँ मैं क्लिक करता जाऊँगा, डायमेंशन ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। जैसे कि ये यहाँ से 0 से ओरिजिन के डिस्टेंस 90 mm है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर, और इन पॉइंट की डिस्टेंस है 180 mm। इसी तरह अगर मैं वर्टिकल ऑर्डिनेट डायमेंशन पे जाता हूँ तो क्या होगा, मुझे वापस से 0 पॉइंट प्रोवाइड करना है, और फिर मैं जहाँ जहाँ क्लिक करूंगा, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि इस डायमेंशन की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं क्लिक कर रहा हूँ तो वो दे रहा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो डायमेंशन है वो ग्रे हो चुकी है, ये डायमेंशन ड्रिवन डायमेंशन कहलाती है। इन वैल्यूज को चेंज करके हम एंटिटीज में चेंज नहीं ला सकते। अब हम सीखेंगे ऑर्डिनेट डायमेंशन। ऑर्डिनेट डायमेंशन कॉम्बिनेशन है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का। अगर आप वर्टिकल लाइन को सिलेक्ट करेंगे तो आप हॉरिजॉन्टल ऑर्डिनेट डायमेंशन में स्विच कर जाएंगे, और अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन को सिलेक्ट करेंगे तो आप वर्टिकल ऑर्डिनेट में चले जाएंगे। ये शॉर्टकट है अगर आप ऑर्डिनेट डायमेंशन देना ज्यादा प्रेफर करते हैं तो। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही था, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कौन से टूल के लिए अलग से स्पेशल वीडियो चाहिए, और फिर हम उस वीडियो को बनाएंगे आपके लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।